उम्र छोटी हो लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है। 18-19 साल के हैं इरफान। पढ़ने लिखने की उम्र में वे काम करते हैं। मुंबई की सड़कों पर लेमन टी बेचकर अपनी बहनों की शादी कराना चाहते हैं। 7 भाई बहनों के परिवार में इरफान सबसे बड़े हैं। माता पिता के बावजूद छोटी उम्र में घर की जिम्मेदारियों ने इरफान को वक्त से पहले बड़ा बना दिया। इरफान का अभी तो सपना कुछ रहने गया है, बस यही खाली है जो कि बहन लोग का शादी हो जाए। अपना खुद का कोई ख्वाब नहीं है, जो है सिर्फ और सिर्फ बहनों के लिए। इरफान का जब भी जी चाहता है निकल पड़ते हैं लेमन टी बेचने के लिए साइकिल लेकर। फिर चाहे दिन हो या रात, कुछ घंटों में 400-500 रुपए कमा कर इरफान अपनी बहनों की शादी के लिए रुपये जमा कर रहे हैं। एक बहन की शादी करा चुके हैं, दूसरी बहन की शादी के लिए लेमन टी बेच रहे हैं। हालांकि इरफान पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जब लेमन टी की बात होती है तो वो किसी डॉक्टर या वैद्य के अंदाज में बोलने लगते हैं। ये देखो, बदन के लिए अच्छा होता है। जैसे भारी आदमी है वो पीता रहेगा, उसका लेवल में आ जाता है। और रही बात गले का, बाकी सर दर्द ये सब हट जाता है, खांसी गला सब अच्छा हो जाता है इससे। सुना आपने, जरूरतों के डॉक्टर इरफान को। भारी लोग तो लेबल में आ जाएगा, यानी मोटा शख्स यदि लेमन टी लेगा तो वो लेबल में आ जाएगा। अपनी लेमन टी बेचने के लिए इरफान का मुंबईया अंदाज लोगों को खूब भाता है और उनकी चाय लोग हाथों हाथ ले लेते हैं। माहिम माटुंगा, दादर धरावी, शैतान चौकी और शिवाजी पार्क में अक्सर इरफान नजर आ जाते हैं अपनी लेमन टी वाली साइकिल के साथ। लेमन टी बेचने का आइडिया इरफान को उनके किसी दोस्त ने दिया है। 2 महीने से वे लेमन टी बेचकर इससे होने वाली कमाई से खुश है। ऐसा नहीं है कि लेमन टी बेचने के पहले वे कुछ नहीं करते थे, इसके पहले वे चाइनीज बेचते थे, लेकिन अब वे बेमन से नहीं बल्कि पूरे मन से लेमन टी बेच कर खुश है। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला और निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट।